नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। इस साल जल शक्ति विभाग में 4000 पद भरेगी सरकार, 6 घंटे काम करेंगे आउटसोर्स कर्मी। हिमाचल में अब 1,70,000 लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। हिमाचल में दूसरे दिन भी रही बैंक कर्मियों की हड़ताल, कई जगह खाली रहे एटीएम। ऊना के नर्सिंग कॉलेज की 35 छात्राएं कोरोना की चपेट में, प्रदेश में 55 मरीजों ने दी कोविड को मात। मंडी शिवरात्रि में 5वें दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, कॉलेज मैदान में हजारों भक्तों ने किए देवताओं के दर्शन। इग्नू में अब 31 मार्च तक करें ऑनलाइन एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, छात्रों को मिली बड़ी राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में इस बार जल शक्ति विभाग में हजारों पद भरने वाले हैं, आखिर कैसे भरेंगे ये पद, पेश है ये रिपोर्ट। इस साल जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। यह घोषणा विधानसभा सत्र में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा कि विभाग में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को पैराफिटर व पैरा पंप ऑपरेटरों के पदों पर लगाने की मंजूरी कैबिनेट से ली जा चुकी है। अभी भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो एग्रीमेंट किया गया है उसमें वह 6 घंटे ही काम करेंगे। महेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि आने वाले समय में संभावित सूखे की स्थिति कोरोना से ज्यादा घातक हो सकती है। विधानसभा के चालू सत्र में मंगलवार को खूब मसले उछले, इनमें कोरोना को लेकर आंकड़े भी रखे गए, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मंगलवार को विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि प्रदेश सरकार बेहतर ढंग से कोरोना से लड़ रही है। उनसे पूछा गया था कि अब तक राज्य में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 12 मार्च तक 1,70,999 को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। इसमें से 1,02,093 को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 68,906 को दोनों टीके सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा ठियो के विधायक राकेश सिंघा ने सवाल किया कि अंतिम 3 सालों में 31 जनवरी 2021 तक राज्य में कितने SC/ST एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया कि इस अवधि में 629 केस SC/ST एक्ट के दर्ज हो चुके हैं, इनमें से 9% मामलों का ही निपटारा हो पाया है। हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ताजा दुग्ध हादसा शिमला जिला के चिड़गांव में पेश आया है, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिमला जिला के रोहड़ू में दर्दनाक हादसा पेश आया है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव में पेश आया है। जानकारी के अनुसार संदासू से 1 किलोमीटर दूर कार खटोच ढांग से नीचे जा गिरी। दोनों युवक चिड़गांव से संदासू जा रहे थे। DSP सुनील नेगी ने कहा कि एक युवक रोहल और दूसरा युवक लडोट का रहने वाला था। बहरहाल दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है। दोबारा कर रहे थे सुबह, तो प्रातःकाल यहाँ पे जो ये गाड़ी आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे, तो ये गाड़ी यहाँ पे गिरी हुई पाई गई नदी में पगर में, और इसमें 2 युवक प्रवीण के साथ जो है, दूसरा मुकेश नाम का युवक है, जो यहाँ पे दोनों इस गाड़ी में गिरे हुए नदी में और मृत पाए गए दोनों। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि रात को ये जो है कहीं इधर को आए, इस तरफ को चिड़गांव से, और चिड़गांव से आकर के मेरे यहाँ से तेज़ रफ्तारी में होने के कारण ये गाड़ी यहाँ से गिरी है। और इस हादसे में जो है ये एक दर्दनाक हादसा है, इसमें जो है इसमें दोनों युवकों की मृत्यु हो गई है दुर्भाग्यवश। हिमाचल में बैंक कर्मियों की हड़ताल का दूसरे दिन खूब असर दिखा, प्रदेश में कई जगह निजीकरण के खिलाफ गुस्सा दिखा, पेश है ये रिपोर्ट। निजीकरण के खिलाफ मंगलवार को भी प्रदेश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले कई यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हड़ताल से बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ है। कई क्षेत्रों में ATM खाली होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में बैंक कर्मचारियों ने खूब रोष जताया, वहीं नाहन में भी खूब गुबार नजर आया। कुल्लू में ढालपुर में प्रदर्शन हुआ। मंडी के सेरी चांदनी में जुटे कर्मियों ने भी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। कुल मिलाकर प्रदेश में कई जगह ये प्रदर्शन हुए। देखो जी, ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन हुआ, पिछले कल और आज। ये बैंकों के निजीकरण के ऊपर था। बैंक, जैसे कि आपको पता है कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंक को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। इससे जो है हमारे लोगों को बहुत नुकसान है, बैंक के कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी इसका नुकसान है। जैसे आपको पता है कि बैंकों में आजकल बहुत सारी नौकरियाँ मिल रही थी, अगर आप बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो इसमें ये लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि जो बैंक, सरकारी बैंक के अंदर जो
गवर्नमेंट के स्पॉन्सर केसेस होते हैं, लोन होते हैं, छोटे मोटे लोन होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस होता है 12 रुपये का 3 रुपये का, ये सब चीज़ें प्राइवेट बैंकें नहीं कर सकती है। हम लोग इस प्राइवेटकरण के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर भी नहीं मानेंगी तो हम आगे और ज़रा हड़ताल कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। पहाड़ी प्रदेश लगातार कोरोना को कड़ी टक्कर दे रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल में मंगलवार शाम 5 बजे तक कोरोना के 47 नए केस सामने आए हैं। इनमें ऊना जिला के लॉ एवं नर्सिंग संस्थान में 35 छात्राएं कोरोना संक्रमण की चपेट में आई हैं। प्रदेश में कुल 47 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ऊना में सबसे ज्यादा 32 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 55 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में 713 एक्टिव केस हैं। अब तक कुल 998 मरीजों की जान जा चुकी है। मंडी में शिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। मंगलवार को शिवरात्रि का 5वां दिन था। इस दौरान यहां कई कार्यक्रम हुए। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में मंगलवार को कॉलेज मैदान में हजारों भक्त पहुंचे। उन्होंने अपने आराध्य देवताओं से आशीर्वाद लिया। मेले में सुखदेव ऋषि भी आए थे। उनका कई भक्तों ने आशीर्वाद लिया। जब बारिश नहीं होती है तो उनके पास भी भक्त गुहार लगाते हैं। कुल मिलाकर मंगलवार को छोटी काशी में भव्य देव मिलन से हर कोई भाव विभोर हो गया। खास बात यह है कि मंगलवार को मेले में कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताएं भी हुई, जिनका लोगों ने खूब लुत्फ लिया। शाम को सांस्कृतिक संध्या में भी दर्शकों ने खूब आनंद लिया। इग्नू से डिग्री और डिप्लोमा करने के लिए इच्छुक हजारों छात्रों के लिए राहत भरा समाचार है। पेशा एक रिपोर्ट। इग्नू ने जनवरी 2021 सत्रों के लिए डिग्री तथा डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इग्नू जनवरी 2021 सत्रों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी तथा डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। बहरहाल छात्र इग्नू की वेबसाइट पर अब 31 मार्च 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रदेश में इन दिनों मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ स्टीक नहीं बैठ रहा। अनुमान के अनुसार बारिश नहीं हो रही है। आने वाले 22 मार्च को सारे हिमाचल में बारिश के आसार हैं। ये अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। विभाग का दावा सही रहा तो 17 से 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसके अलावा 21 और 22 मार्च को भी मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों में 22 मार्च को बारिश के आसार हैं। 21 मार्च तक मैदानी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर आज शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ है। शिमला में हल्के बादल छाए हुए हैं। सोमवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -0.4, कल्पा में 2.6, मनाली में 7.8, कुफरी में 8.1, भुंतर में 10.5, मंडी में 11, चंबा में 10.2, डलहौजी में 9.7, सुंदरनगर में 10.6, शिमला में 10.6, धर्मशाला में 12.4 और नाहन में 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अब चलते चलते कांगड़ा जिला में आदि हिमानी चामुंडा के कपाट खुले, मंदिर के भवन का काम शुरू, भक्तों के लिए खुली सराएं। किन्नौर के डीसी हेमराज बैरवा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, आधे घंटे तक रहे निगरानी में। कुल्लू में 10 अप्रैल को होने वाली नवोदय प्रवेश परीक्षा स्थगित, अब 16 मई को होगा आयोजन। बिल न भरने पर 150 उपभोक्ताओं की कटी बिजली, सुंदरनगर में विभाग ने उठाया कड़ा कदम। चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।